श्री शिवाय नमस्तु। आराधना में तुम लीन हो महाराज। दुनिया के लोग नहीं समझते कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव महापुराण कहती है अगर एक दिन, शिव महापुराण की कथा कहती है सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। क्या मिलती है? तेज लक्ष्मी। कर बैठी थी उनके नेत्र से अश्रु गिरा, उससे बेलपत्र उत्पन्न हुआ। काय का वृक्ष उत्पन्न हुआ? बेलपत्र। पूरी दुनिया में केवल एक बेलपत्र का वृक्ष कैसा होता है जिस वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी शाम के समय पर गुआरी लगाने के लिए जाती है, झाड़ू लगाने के लिए। बेलपत्री के पेड़ पर, बेलपत्र का वृक्ष जिसके यहां लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं गया, बहुत मेहनत कर रहे हो, सोमवार की सोमवार, पांच सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के साथ थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। पांच सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे गुआरी लगा। शंकर भगवान की प्रियता बेलपत्र, पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में धन संपदा वैभव सत्ता लक्ष्मी की थोड़ी भी कमी दिखती हो उसको बेलपत्री के वृक्ष का पूजन चालू कर देना चाहिए। जाओ सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर, जल का सिंचन कर उसी बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर संध्या काल में प्रदोष काल में भगवान देवाधिदेव महादेव गौरी शंकर का स्मरण करो। बेलपत्र की जड़ की ओर, बेलपत्र की तना की ओर, बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो। कोई आसन नहीं, कोई आसन नहीं, केवल बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो। जहां बेलपत्री का वृक्ष है उसके नीचे बैठकर उसकी छाया में उसकी ओट में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर अपने हृदय की बात गौरी शंकर से महादेव से कहे। शिव महापुराण की कथा कहती है सात दिनों में एक दिन सोमवार का ऐसा होता है जिस दिन 33 कोटि देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण करते हैं और शिव पार्वती उनकी झोलियां खुशियों से भरते हैं। देवता भी जिनका भजन कर रहे हैं वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, लक्ष्मी मां लक्ष्मी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे निरंतर विराजमान होती है। और आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहेंगे, ये मनुष्य का शरीर जब तक रहे, ये मानव की देह जब तक रहे, जिंदगी में एक बेलपत्री का वृक्ष अपने रहते रहते कहीं पर भी लगाना, उसको बड़ा करना, उसको बड़ा कर जैसे अपने बच्चे को बड़ा करते हो ऐसे लगाकर बड़ा कर महादेव से कहना कि मैंने अपनी जिंदगी में, मैं मर भी जाऊं मेरे प्राण छूट भी जाएं, मेरे जाने के बाद मेरे घर के लोग एक लोटा जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ाएं ना चढ़ाएं, पर ये वृक्ष मैंने बेलपत्री का लगा दिया, अगर मैं मर भी गई तो मेरे मरने के बाद भी मेरे हाथ की बेलपत्र महादेव को चलती रहेगी, महादेव को प्राप्त होती रहेगी। लगाओ एक बेलपत्री के पौधे को, छोटे से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, और बड़ा करने के बाद उसको कहीं तुम्हारी मर्जी पड़े जहां उस बेलपत्री के वृक्ष को लगाओ। अगर गलती हो गई, ये बहुत गलतियां हो गई, बहुत दुख पड़ गया, तकलीफ में आ गए, लग रहा है कि मुझसे बहुत गलतियां हुई है, बाबा ने भी नहीं सुना, ये बेलपत्र का भाग की डंडी पीछे की ओर कर जहां बैठकर बेलपत्र चढ़ा रहा, पत्ती का मुख अपनी और डंडी का मुख सामने, शिव की कुछ आराधना है, मेरे भोले बाबा की कुछ आराधना है। आली ना जाता कोई खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बसा, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बसा।
72 साल बाद ये जो सावन का महीना आया है सोमवार से सोमवार तक का, कहते हैं इस सावन में जो सोमवार से सोमवार तक का सावन रहता है, सोमवार से शुरू सोमवार से विराम, अगर आपके घर में रुद्राक्ष है, आप रुद्राक्ष धारण करते हो या रुद्राक्ष अपने घर में रखते हो, तो उस रुद्राक्ष को छोटी सी कटोरी में रखकर या एक पात्र में रखकर 7 बार किसी भी अमावस पर, सावन में जो अमावस्या पड़ती है, ये सोमवार से सोमवार वाली सावन, इसके बाद वाले सावन का वर्णन नहीं कर रहा हम, इस सावन की बात कर रहे हैं, या तो अमावस, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी या प्रदोष, शिवरात्रि, अष्टमी, ये ऐसी तिथियां हैं जो सोमवार से सोमवार तक का जो सावन होता है, सावन में कटोरी में रखकर, प्लेट में रखकर, थाली में रखकर 7 बार अपने घर में अगर रुद्राक्ष है तो उसको बलवान बनाने के लिए इसी सावन के महीने में 7 बार तो जल, 5 बार दूध गौ माता का और 2 बार गाय का घी उस रुद्राक्ष पर लेपित करना चाहिए और फिर उस रुद्राक्ष को धूप बत्ती हो या घर में गूगल की धूप हो, वो धूप बत्ती से उस रुद्राक्ष को सिद्ध कर लेना चाहिए। कुछ नहीं आता ना, शिव का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और उस रुद्राक्ष का स्पर्श कर कर अपने गले में धारण करते हो तो गले में, पूजन में रखते हो तो पूजन में, या किसी कार्य सिद्धि के लिए रखते हो तो कार्य सिद्धि के लिए, अगर ये सोमवार से चालू होने वाले सावन को सोमवार से विराम होने वाले सावन में अगर हम सिद्ध कर लेते हैं तो रुद्राक्ष हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ। अभी हमारे सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर ये जो सावन का महीना आया है, इस सावन में हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पे वैसे तो जो महाशिवरात्रि आती है जिस समय रुद्राक्ष उत्सव होता है उस समय पर रुद्राक्ष को सिद्ध कर लिया जाता है, पर जो सावन ये आया है इस सावन में हमारे यहाँ प्रतिदिन बाबा के रुद्राक्ष को सिद्ध करते, प्रतिदिन नियम है रुद्राक्ष पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, घृत लगाना और बाबा के रुद्राक्ष, क्योंकि इतने भक्त आते हैं उनके लिए वो रुद्राक्ष सिद्ध हो जाए। इसी सावन में 4 मुखी 3 रुद्राक्ष, कितने 4 मुखी, कितने 3, 5 मुखी रुद्राक्ष 3 और 6 मुखी रुद्राक्ष 3, इनके बीच में सवा सवा गांठ लगाई जाती है। 4 रुद्राक्ष कितने जल्दी बोलो, 4 मुखी रुद्राक्ष कितने 3, 5 मुखी रुद्राक्ष कितने 3, 6 मुखी रुद्राक्ष कितने 3, इनके बीच में सवा सवा गांठ लगाई जाती है, मतलब एक गांठ पूरी लगाई जाती है फिर आधी गांठ लगाकर फिर रुद्राक्ष को डाला जाता है लाल धागे में, फिर सवा सवा गांठ ऐसी चलती है। 9 रुद्राक्ष होते हैं कुल टोटल, अगर ये 9 रुद्राक्ष को शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में रखकर ये सावन, इसको अन्य सावन में नहीं कर सकते, केवल इसी सावन भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास उसको रखकर 7 लोटा जल, 5 बार दूध और 2 बार घृत अगर लेपन कर दिया जाता है उस माला को, और उसी माला को हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर अपने गले में अगर धारण कर लेते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो तुम्हारे लिए हो नहीं, पक्के में होकर ही मान, उस रुद्राक्ष का इतना महत्व। ये तुम जो सहज में सुन रहे हो ना, हम फिर कहेंगे दया सिंह, जो हम फिर दया सिंह जी को धन्यवाद देंगे कि ये जो सावन के महीने की कथा लिए दया सिंह जी, ये साधारण नहीं है, दुनिया के लोग भले इसको सहजता में रख लें। 27 जुलाई 1953 में ये सावन आया था, उसके बाद 2024 में ये सावन आया, लोग तरसते हैं सावन के लिए कि इसमें हमें रुद्राक्ष को सिद्ध करना है, हमें इसमें बेलपत्र का पान करना है, इसमें हम जो मांगेंगे हमारा बाबा कृपा करने के लिए तत्पर रहता है, ये वो रुद्राक्ष का आनंद पाते। मैं धन्यवाद देता हूं दया सिंह जी आपको बहुत बहुत और पूरी समिति को। शिव मंदिर में जैसे आप लोग जाते होंगे शंकर जी के मंदिर में, तो ये तो शिवलिंग हो गया, ये जलाधारी हो गई, ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है,
और जलाधारी और शिवलिंग के यहाँ शिवलिंग से लेकर जहाँ से पानी नीचे गिर रहा है, आप पानी यहाँ चढ़ाते हो तो ये घूम के यहाँ से नीचे आ जाता है। आपने जल यहाँ चढ़ाया शिवलिंग पे तो जल घूम कर यहाँ से नीचे आ जाता है, इस जगह से नीचे की ओर आ जाता है, इस स्थान से। प्रयास करिए, ये जो सावन आया है 72 वर्ष के बाद, प्रयास करिए कि कितना बड़ा भी रोग है, कितनी बड़ी भी बीमारी है, आप डॉक्टर से इलाज करवाओ, पर ये जो स्थान है अशोक सुंदरी का, इस स्थान पर एक बार अपनी हथेली रखकर देखिए और भगवान शिव से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण कर कर देखिए, और एक बेलपत्र बाबा की लेकर जहाँ से पानी नीचे गिरता है उस स्थान पर लगाकर उसी बेलपत्र को खाइए, और फिर जाकर डॉक्टर को एक बार फिर जांच करवाइए कि उस रोग में आराम कितना लगा है, उस रोग में अंतर कितना आया। श्रावण का ये महीना जिसमें आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, सोमवार से सावन चालू हुआ और सोमवार के दिन सावन विराम होगा, ऐसा सावन 72 साल के बाद आया है। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन पड़ा था, कितनी तारीख को जम के बोलो जरा, 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन पड़ा था जो सावन सोमवार से चालू हुआ था और सावन सोमवार के दिन विराम हुआ था, 72 साल के बाद ऐसा सावन आया है जिसका योग आज है। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन आया था। अब जरा किस्मत देखिए, आपका भाग्य देखिए रे छत्तीसगढ़ वालों, नजर उतरवा लेना आप कि 72 साल बाद ऐसा सावन आया जो सोमवार से चालू हुआ, सोमवार को विराम हो रहा है, 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन आया था और उसके बाद आज ये सावन 22 तारीख से चालू हुआ और 19 तारीख को विराम होगा और उसमें भी सोमवार से चालू हुआ और सोमवार को विराम हो रहा है, ये शिव भक्ति है, ये अविरल भक्ति, ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति है, आप और हमको प्राप्त हुई है, हमें मिली है। और तेरी भगवान शिव ने अघोर अस्त्र धारण किया इसी सावन, एक त्रिपुरासुर असुर हो गया, 3 पुरियों का निर्माण कर कर वो निवास कर रहा, बड़ा विचित्र है वो, बहुत सावन आते हैं, सारे सावन आते हैं, हर वर्ष सावन का महीना आता है, हर वर्ष श्रावण का सोमवार भी आता है, हर वर्ष प्रदोष भी आती है, हर वर्ष शिवरात्रि भी आती है सावन की, हर वर्ष अष्टमी भी आती है, छठ भी आती है, सब तिथियां आती हैं। ये सारी तिथियां हर साल आएंगी, हर साल प्राप्त होंगी, पर जो योग मेरे देव अधिदेव महादेव का लगा है सोमवार से प्रारंभ होकर सोमवार के विराम का, ये सावन बार बार नहीं आता, ये सावन इतनी जल्दी नहीं आता, जो 72 वर्ष के बाद 27 जुलाई से 1953 के बाद में आज योग लगा जो 22 जुलाई 2024 में प्रारंभ हुआ। श्री शिवाय नमस्तु, आराधना में तुम लीन हो महाराज, दुनिया के लोग नहीं समझते कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव महापुराण कहती है अगर एक दिन, शिव महापुराण की कथा कहती है
सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। क्या मिलती है? तेज लक्ष्मी। कर बैठी थी, उनके नेत्र से अश्रु गिरा, उससे बेलपत्री उत्पन्न हुई। काय का वृक्ष उत्पन्न हुआ? बेलपत्र। पूरी दुनिया में केवल एक बेलपत्र का वृक्ष कैसा होता है, जिस वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी शाम के समय पर गुआरी लगाने के लिए जाती है, झाड़ू लगाने के लिए, बेलपत्री के पेड़ पर। बेलपत्र का वृक्ष जिसके यहां लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं गया, बहुत मेहनत कर रहे हो, सोमवार की सोमवार, पांच सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के साथ थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए, पांच सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे गुआरी लगा। शंकर भगवान की प्रियता बेलपत्र, पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में धन संपदा वैभव सत्ता लक्ष्मी की थोड़ी भी कमी दिखती हो, उसको बेलपत्री के वृक्ष का पूजन चालू कर देना चाहिए। जाओ सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर, जल का सिंचन कर उसी बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर संध्या काल में प्रदोष काल में भगवान देवाधिदेव महादेव गौरी शंकर का स्मरण करो। बेलपत्र की जड़ की ओर, बेलपत्र की तना की ओर, बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो, कोई आसन नहीं, कोई आसन नहीं, केवल बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो। जहां बेलपत्री का वृक्ष है उसके नीचे बैठकर, उसकी छाया में, उसकी ओट में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर अपने हृदय की बात गौरी शंकर से महादेव से कहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, सात दिनों में एक दिन सोमवार का ऐसा होता है जिस दिन 33 कोटि देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण करते हैं और शिव पार्वती उनकी झोलियां खुशियों से भरते हैं। देवता भी जिनका भजन कर रहे हैं वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, लक्ष्मी मां लक्ष्मी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे निरंतर विराजमान होती है। और आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहेंगे, ये मनुष्य का शरीर जब तक रहे, ये मानव की देह जब तक रहे, जिंदगी में एक बेलपत्री का वृक्ष अपने रहते रहते कहीं पर भी लगाना, उसको बड़ा करना, उसको बड़ा कर जैसे अपने बच्चे को बड़ा करते हो ऐसे लगाकर बड़ा कर महादेव से कहना कि मैंने अपनी जिंदगी में, मैं मर भी जाऊं, मेरे प्राण छूट भी जाएं, मेरे जाने के बाद मेरे घर के लोग एक लोटा जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ाएं ना चढ़ाएं, पर ये वृक्ष मैंने बेलपत्री का लगा दिया, अगर मैं मर भी गई तो मेरे मरने के बाद भी मेरे हाथ की बेलपत्र महादेव को चलती रहेगी, महादेव को प्राप्त होती रहेगी। लगाओ एक बेलपत्री के पौधे को, छोटे से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, और बड़ा करने के बाद उसको कहीं तुम्हारी मर्जी पड़े जहां उस बेलपत्री के वृक्ष को लगाओ। अगर गलती हो गई, ये बहुत गलतियां हो गई, बहुत दुख पड़ गया, तकलीफ में आ गए, लग रहा है कि मुझसे बहुत गलतियां हुई है, बाबा मेरी नहीं सुन रहा, ये बेलपत्र का भाग की डंडी पीछे की ओर कर तो जहां बैठकर बेलपत्र चढ़ा रहा, पत्ती का मुख अपनी और डंडी का मुख सामने, शिव की कुछ आराधना है, मेरे भोले बाबा की कुछ आराधना है। आली ना जाता कोई खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बारे पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी बारे पसारे। जो 72 साल बाद ये जो सावन का महीना आया है सोमवार से सोमवार तक का, कहते हैं इस सावन में जो सोमवार से सोमवार तक का सावन रहता है, सोमवार से शुरू सोमवार से विराम, अगर आपके घर में रुद्राक्ष है, आप रुद्राक्ष धारण करते हो या रुद्राक्ष अपने घर में रखते हो, तो
तो उस रुद्राक्ष को छोटी सी कटोरी में रखकर या एक पात्र में रखकर सात बार किसी भी अमावस पर, सावन में जो अमावस्या पड़ती है, ये सोमवार से सोमवार वाली सावन, इसके बाद वाले सावन का वर्णन नहीं कर रहा, हम इस सावन की बात कर रहे हैं, या तो अमावस, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी या प्रदोष, शिवरात्रि, अष्टमी, ये ऐसी तिथियां हैं जो सोमवार से सोमवार तक का जो सावन होता है, सावन में कटोरी में रखकर, प्लेट में रखकर, थाली में रखकर सात बार अपने घर में अगर रुद्राक्ष है तो उसको बलवान बनाने के लिए इसी सावन के महीने में सात बार तो जल, पांच बार दूध गौ माता का और दो बार गाय का घी उस रुद्राक्ष पर लेपित करना चाहिए और फिर उस रुद्राक्ष को धूप बत्ती हो या घर में गूगल की धूप हो वो धूप बत्ती से उस रुद्राक्ष को सिद्ध कर लेना चाहिए। कुछ नहीं आता ना, शिव का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और उस रुद्राक्ष का स्पर्श कर कर अपने गले में धारण करते हो तो गले में, पूजन में रखते हो तो पूजन में, या किसी कार्य सिद्धि के लिए रखते हो तो कार्य सिद्धि के लिए, अगर ये सोमवार से चालू होने वाले सावन को सोमवार से विराम होने वाले सावन में अगर हम सिद्ध कर लेते हैं तो रुद्राक्ष हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ। अभी हमारे सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर ये जो सावन का महीना आया है, इस सावन में हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पे वैसे तो जो महाशिवरात्रि आती है जिस समय रुद्राक्ष उत्सव होता है उस समय पर रुद्राक्ष को सिद्ध कर लिया जाता है, पर जो सावन ये आया है इस सावन में हमारे यहाँ प्रतिदिन बाबा के रुद्राक्ष को सिद्ध करते, प्रतिदिन नियम है रुद्राक्ष पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, घृत लगाना और बाबा के रुद्राक्ष, क्योंकि इतने भक्त आते हैं उनके लिए वो रुद्राक्ष सिद्ध होना चाहिए। इसी सावन में चार मुखी तीन रुद्राक्ष, कितने चार मुखी, कितने तीन, पांच मुखी रुद्राक्ष तीन और छह मुखी रुद्राक्ष तीन, इनके बीच में सवा सवा गांठ लगाई जाती है। चार रुद्राक्ष कितने जल्दी बोलो, चार मुखी रुद्राक्ष कितने तीन, पांच मुखी रुद्राक्ष कितने तीन, छह मुखी रुद्राक्ष कितने तीन, इनके बीच में सवा सवा गांठ लगाई जाती है, मतलब एक गांठ पूरी लगाई जाती है फिर आधी गांठ लगाकर फिर रुद्राक्ष को डाला जाता है लाल धागे में, फिर सवा सवा गांठ ऐसी चलती है। नौ रुद्राक्ष होते हैं कुल टोटल, अगर ये नौ रुद्राक्ष को शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में रखकर ये सावन, इसको अन्य सावन में नहीं कर सकते, केवल इसी सावन भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास उसको रखकर सात लोटा जल, पांच बार दूध और दो बार घृत अगर लेपन कर दिया जाता है उस माला को, और उसी माला को हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर अपने गले में अगर धारण कर लेते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो तुम्हारे लिए हो नहीं, पक्के में होकर ही मान, उस रुद्राक्ष का इतना महत्व। ये तुम जो सहज में सुन रहे हो ना, हम फिर कहेंगे दया सिंह, जो हम फिर दया सिंह जी को धन्यवाद देंगे कि ये जो सावन के महीने की कथा लिए दया सिंह जी, ये साधारण नहीं है, दुनिया के लोग भले इसको सहजता में रख लें। 27 जुलाई 1953 में ये सावन आया था, उसके बाद 2024 में ये सावन आया, लोग तरसते हैं सावन के लिए कि इसमें हमें रुद्राक्ष को सिद्ध करना है, हमें इसमें बेलपत्र का पान करना है, इसमें हम जो मांगेंगे हमारा बाबा कृपा करने के लिए तत्पर रहता है, ये वो रुद्राक्ष का आनंद पाते। मैं धन्यवाद देता हूं दया सिंह जी आपको बहुत बहुत और पूरी समिति को। शिव मंदिर में जैसे आप लोग जाते होंगे शंकर जी के मंदिर में, तो ये तो शिवलिंग हो गया, ये जलाधारी हो गई, ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, और जलाधारी और शिवलिंग के यहाँ शिवलिंग से लेकर जहां से पानी नीचे गिर रहा है, आप पानी यहाँ चढ़ाते हो तो ये घूम के यहाँ से नीचे आ जाता है, आपने जल यहाँ चढ़ाया शिवलिंग पे तो जल घूमकर यहां से नीचे आ जाता है।
इस जगह से नीचे की ओर आ जाता है, इस स्थान से। प्रयास करिए, ये जो सावन आया है 72 वर्ष के बाद, प्रयास करिए कि कितना बड़ा भी रोग है, कितनी बड़ी भी बीमारी है, आप डॉक्टर से इलाज करवाओ, पर ये जो स्थान है अशोक सुंदरी का, इस स्थान पर एक बार अपनी हथेली रखकर देखिए और भगवान शिव से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण कर कर देखिए, और एक बेलपत्र बाबा की लेकर जहां से पानी नीचे गिरता है उस स्थान पर लगाकर उसी बेलपत्र को खाइए, और फिर जाकर डॉक्टर को एक बार फिर जांच करवाइए कि उस रोग में आराम कितना लगा है, उस रोग में अंतर कितना आया। श्रावण का ये महीना जिसमें आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, सोमवार से सावन चालू हुआ और सोमवार के दिन सावन विराम होगा, ऐसा सावन 72 साल के बाद आया है। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन पड़ा था, कितनी तारीख को जम के बोलो जरा, 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन पड़ा था जो सावन सोमवार से चालू हुआ था और सावन सोमवार के दिन विराम हुआ था, 72 साल के बाद ऐसा सावन आया है जिसका योग आज है। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन आया था। अब जरा किस्मत देखिए, आपका भाग्य देखिए रे छत्तीसगढ़ वालों, नजर उतरवा लेना आप कि 72 साल बाद ऐसा सावन आया जो सोमवार से चालू हुआ, सोमवार को विराम हो रहा है, 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन आया था और उसके बाद आज ये सावन 22 तारीख से चालू हुआ और 19 तारीख को विराम होगा और उसमें भी सोमवार से चालू हुआ और सोमवार को विराम हो रहा है, ये शिव भक्ति है, ये अविरल भक्ति, ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति है। आप और हमको प्राप्त हुई है, हमें मिली और तेरी, भगवान शिव ने अघोर अस्त्र धारण किया इसी सावन, एक त्रिपुरासुर असुर हो गया, 3 पुरियों का निर्माण कर कर वो निवास कर रहा है। बड़ा विचित्र है वो, बहुत सावन आते हैं, सारे सावन आते हैं, हर वर्ष सावन का महीना आता है, हर वर्ष श्रावण का सोमवार भी आता है, हर वर्ष प्रदोष भी आती है, हर वर्ष शिवरात्रि भी आती है सावन की, हर वर्ष अष्टमी भी आती है, छठ भी आती है, सब तिथियां आती हैं। ये सारी तिथियां हर साल आएंगी, हर साल प्राप्त होंगी, पर जो योग मेरे देव अधिदेव महादेव का लगा है सोमवार से प्रारंभ होकर सोमवार के विराम का, ये सावन बार बार नहीं आता, ये सावन इतनी जल्दी नहीं आता जो 72 वर्ष के बाद 27 जुलाई से 1953 के बाद में आज योग लगा जो 22 जुलाई 2024 में प्रारंभ हुआ। श्री शिवाय नमस्तु। आराधन में तुम लीन हो महाराज, दुनिया के लोग नहीं समझते कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव महापुराण कहती है अगर एक दिन, शिव महापुराण की कथा कहती है सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। क्या मिलती है? तेज लक्ष्मी। घर पर बैठी थी, उनके नेत्र से अश्रु गिरा, उससे बेलपत्र उत्पन्न हुआ। काय का वृक्ष उत्पन्न हुआ? बेलपत्र।
पूरी दुनिया में केवल एक बेलपत्र का वृक्ष कैसा होता है, जिस वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी शाम के समय पर गुआरी लगाने के लिए जाती है, झाड़ू लगाने के लिए, बेलपत्री के पेड़ पर, बेलपत्र का वृक्ष जिसके यहां लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं गया, बहुत मेहनत कर रहे हो, सोमवार की सोमवार, पांच सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए, शाम के साथ थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए, पांच सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे गुआरी लगाना। शंकर भगवान की प्रियता बेलपत्र, पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में धन संपदा वैभव सत्ता लक्ष्मी की थोड़ी भी कमी दिखती हो, उसको बेलपत्री के वृक्ष का पूजन चालू कर देना चाहिए। जाओ सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर, जल का सिंचन कर उसी बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर, संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान देवाधिदेव महादेव गौरी शंकर का स्मरण करो, बेलपत्र की जड़ की ओर, बेलपत्र की तना की ओर, बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो, कोई आसन नहीं, कोई आसन नहीं, केवल बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो, जहां बेलपत्री का वृक्ष है उसके नीचे बैठकर, उसकी छाया में, उसकी ओट में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर अपने हृदय की बात गौरी शंकर से, महादेव से कहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, सात दिनों में एक दिन सोमवार का ऐसा होता है जिस दिन 33 कोटि देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण करते हैं और शिव पार्वती उनकी झोलियां खुशियों से भरते हैं। देवता भी जिनका भजन कर रहे हैं वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, लक्ष्मी मां लक्ष्मी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे निरंतर विराजमान होती है। और आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहेंगे, ये मनुष्य का शरीर जब तक रहे, ये मानव की देह जब तक रहे, जिंदगी में एक बेलपत्री का वृक्ष अपने रहते रहते कहीं पर भी लगाना, उसको बड़ा करना, उसको बड़ा कर जैसे अपने बच्चे को बड़ा करते हो, ऐसे लगाकर बड़ा कर महादेव से कहना कि मैंने अपनी जिंदगी में, मैं मर भी जाऊं, मेरे प्राण छूट भी जाएं, मेरे जाने के बाद मेरे घर के लोग एक लोटा जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ाएं ना चढ़ाएं, पर ये वृक्ष मैंने बेलपत्री का लगा दिया, अगर मैं मर भी गई तो मेरे मरने के बाद भी मेरे हाथ की बेलपत्र महादेव को चलती रहेगी, महादेव को प्राप्त होती रहेगी। लगाओ एक बेलपत्री के पौधे को, छोटे से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, और बड़ा करने के बाद उसको कहीं तुम्हारी मर्जी पड़े जहां उस बेलपत्री के वृक्ष को लगाओ। अगर गलती हो गई, ये बहुत गलतियां हो गई, बहुत दुख पड़ गया, तकलीफ में आ गए, लग रहा है कि मुझसे बहुत गलतियां हुई है, बाबा मेरी नहीं सुन रहा, ये बेलपत्र का भाग की डंडी पीछे की ओर कर, जहां बैठकर बेलपत्र चढ़ा रहा, पत्ती का मुख अपनी और डंडी का मुख सामने, शिव की कुछ आराधना है, मेरे भोले बाबा की कुछ आराधना है। आली ना जाता कोई खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बारे पसा, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बारे पसा। जो 72 साल बाद ये जो सावन का महीना आया है सोमवार से सोमवार तक का, कहते हैं इस सावन में जो सोमवार से सोमवार तक का सावन रहता है, सोमवार से शुरू सोमवार से विराम, अगर आपके घर में रुद्राक्ष है, आप रुद्राक्ष धारण करते हो या रुद्राक्ष अपने घर में रखते हो, तो उस रुद्राक्ष को छोटी सी कटोरी में रखकर या एक पात्र में रखकर 7 बार किसी भी अमावस पर, सावन में जो अमावस्या पड़ती है, ये सोमवार से सोमवार वाली सावन,
इसके बाद वाले सावन का वर्णन नहीं कर रहा, हम इस सावन की बात कर रहे हैं। या तो अमावस, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी या प्रदोष, शिवरात्रि, अष्टमी, ये ऐसी तिथियां हैं जो सोमवार से सोमवार तक का जो सावन होता है, सावन में कटोरी में रखकर, प्लेट में रखकर, थाली में रखकर सात बार अपने घर में अगर रुद्राक्ष है तो उसको बलवान बनाने के लिए इसी सावन के महीने में सात बार तो जल, पांच बार दूध गौ माता का और दो बार गाय का घी उस रुद्राक्ष पर लेपित करना चाहिए। और फिर उस रुद्राक्ष को धूप बत्ती हो या घर में गूगल की धूप हो, वो धूप बत्ती से उस रुद्राक्ष को सिद्ध कर लेना चाहिए। कुछ नहीं आता ना, शिव का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और उस रुद्राक्ष का स्पर्श कर कर अपने गले में धारण करते हो तो गले में, पूजन में रखते हो तो पूजन में, या किसी कार्य सिद्धि के लिए रखते हो तो कार्य सिद्धि के लिए। अगर ये सोमवार से चालू होने वाले सावन को सोमवार से विराम होने वाले सावन में अगर हम सिद्ध कर लेते हैं तो वो रुद्राक्ष हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ। अभी हमारे सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर ये जो सावन का महीना आया है, इस सावन में हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पे वैसे तो जो महाशिवरात्रि आती है जिस समय रुद्राक्ष उत्सव होता है उस समय पर रुद्राक्ष को सिद्ध कर लिया जाता है, पर जो सावन ये आया है इस सावन में हमारे यहाँ प्रतिदिन बाबा के रुद्राक्ष को सिद्ध करते, प्रतिदिन नियम है रुद्राक्ष पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, घृत लगाना और बाबा के रुद्राक्ष, क्योंकि इतने भक्त आते हैं उनके लिए वो रुद्राक्ष सिद्ध हो जाए। इसी सावन में चारमुखी तीन रुद्राक्ष, कितने चारमुखी, कितने तीन, पांचमुखी रुद्राक्ष तीन और छमुखी रुद्राक्ष तीन, इनके बीच में सवा सवा गांठ लगाई जाती है। चार रुद्राक्ष कितने जल्दी बोलो, चारमुखी रुद्राक्ष कितने तीन, पांच मुखी रुद्राक्ष कितने तीन, छह मुखी रुद्राक्ष कितने तीन, इनके बीच में सवा सवा गांठ लगाई जाती है, मतलब एक गांठ पूरी लगाई जाती है फिर आधी गांठ लगाकर फिर रुद्राक्ष को डाला जाता है लाल धागे में, फिर सवा सवा गांठ ऐसी चलती है। नौ रुद्राक्ष होते हैं कुल टोटल, अगर ये नौ रुद्राक्ष को शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में रखकर ये सावन, इसको अन्य सावन में नहीं कर सकते, केवल इसी सावन भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास उसको रखकर सात लोटा जल, पांच बार दूध और दो बार घृत अगर लेपन कर दिया जाता है उस माला को, और उसी माला को हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर अपने गले में अगर धारण कर लेते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो तुम्हारे लिए हो नहीं, पक्के में होकर ही मान। उस रुद्राक्ष का इतना महत्व, ये तुम जो सहज में सुन रहे हो ना, हम फिर कहेंगे दया सिंह, जो हम फिर दया सिंह जी को धन्यवाद देंगे कि ये जो सावन के महीने की कथा लिए दया सिंह जी, ये साधारण नहीं है, दुनिया के लोग भले इसको सहजता में रख लें। 27 जुलाई 1953 में ये सावन आया था, उसके बाद 2024 में ये सावन आया, लोग तरसते हैं सावन के लिए कि इसमें हमें रुद्राक्ष को सिद्ध करना है, हमें इसमें बेलपत्र का पान करना है, इसमें हम जो मांगेंगे हमारा बाबा कृपा करने के लिए तत्पर रहता है, ये वो रुद्राक्ष का आनंद पाते। मैं धन्यवाद देता हूं दया सिंह जी आपको बहुत बहुत और पूरी समिति को। शिव मंदिर में जैसे आप लोग जाते होंगे शंकर जी के मंदिर में, तो ये तो शिवलिंग हो गया, ये जलाधारी हो गई, ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, और जलाधारी और शिवलिंग के यहाँ शिवलिंग से लेकर जहां से पानी नीचे गिर रहा है, आप पानी यहाँ चढ़ाते हो तो ये घूम के यहाँ से नीचे आ जाता है, आपने जल यहाँ चढ़ाया शिवलिंग पे तो जल घूमकर यहाँ से नीचे आ जाता है, इस जगह से नीचे की ओर आ जाता है इस स्थान से। प्रयास करिए, ये जो सावन आया है 72 वर्ष के बाद, प्रयास करिए कि कितना बड़ा भी रोग है, कितनी बड़ी भी बीमारी है, आप डॉक्टर से इलाज करवाओ, पर
ये जो स्थान है अशोक सुंदरी का, इस स्थान पर एक बार अपनी हथेली रखकर देखिए और भगवान शिव से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण कर कर देखिए, और एक बेलपत्र बाबा की लेकर जहाँ से पानी नीचे गिरता है उस स्थान पर लगाकर उसी बेलपत्र को खाइए, और फिर जाकर डॉक्टर को एक बार फिर जांच करवाइए कि उस रोग में आराम कितना लगा है, उस रोग में अंतर कितना आया। श्रावण का ये महीना जिसमें आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, सोमवार से सावन चालू हुआ और सोमवार के दिन सावन विराम होगा, ऐसा सावन 72 साल के बाद आया होगा। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन पड़ा था, कितनी तारीख को जम के बोलो जरा, 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन पड़ा था जो सावन सोमवार से चालू हुआ था और सावन सोमवार के दिन विराम हुआ था, 72 साल के बाद ऐसा सावन आया है जिसका योग आज है। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन आया था। अब जरा किस्मत देखिए, आपका भाग्य देखिए रे छत्तीसगढ़ वालों, नजर उतरवा लेना कि 72 साल बाद ऐसा सावन आया जो सोमवार से चालू हुआ, सोमवार को विराम हो रहा है। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन आया था और उसके बाद आज ये सावन 22 तारीख से चालू हुआ और 19 तारीख को विराम होगा, और उसमें भी सोमवार से चालू हुआ और सोमवार को विराम हो रहा है। ये शिव भक्ति है, ये अविरल ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति है, आप और हमको प्राप्त हुई है, हमें मिली है। और तेरी भगवान शिव ने अघोर अस्त्र धारण किया इसी सावन, एक त्रिपुरासुर असुर हो गया, तीन पुरियों का निर्माण कर कर वो निवास कर रहा, बड़ा विचित्र है वो, बहुत सावन आते हैं, सारे सावन आते हैं, हर वर्ष सावन का महीना आता है, हर वर्ष श्रावण का सोमवार भी आता है, हर वर्ष प्रदोष भी आती है, हर वर्ष शिवरात्रि भी आती है सावन की, हर वर्ष अष्टमी भी आती है, छठ भी आती है, सब तिथियां आती हैं। ये सारी तिथियां हर साल आएंगी, हर साल प्राप्त होंगी, पर जो योग मेरे देव अधिदेव महादेव का लगा है सोमवार से प्रारंभ होकर सोमवार के विराम का, ये सावन बार बार नहीं आता, ये सावन इतनी जल्दी नहीं आता, जो 72 वर्ष के बाद 27 जुलाई से 1953 के बाद में आज योग लगा, जो 22 जुलाई 2024 में प्रारंभ,